फकीर इब्तिदा में रेलगाड़ियों में मिजाह सुनाते और सूफिया का कलाम पेश करते थे। इन्हें सिंध के सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ की शायरी से इश्क था और इसी शायरी को अवामी रंग में गाने से वो फन की मेराज पर पहुंचे। अलन फकीर ने दुनिया के कई मुल्कों का दौरा किया और अपने फन का लोहा मनवाया। इन्हें सदारती तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। वो 4 जुलाई सन 2000 में इंतकाल कर गए। अलन फकीर आम जिंदगी में बहुत सादा तबीयत के मालिक थे। अलन फकीर के बेटे फहीम अलन का कहना है कि इसके वालिद ने शाह अब्दुल लतीफ के रसाले गंज को याद कर लिया था, जिसका फैज इन्हें कामयाबियों की सूरत में मिला। फकीर लोक इंसान थे और शाह अब्दुल लतीफ भिटाई सरकार के कलाम को बहुत अच्छी तरीके से उसकी वाई को कलाम को पेश किया। अलन फकीर को दुनिया से रुखसत हुए 11 बरस हो गए, मगर लोग आज भी इन्हें याद करते हैं। इनका बेटा फहीम अलन भी अपने वालिद के फन को जिंदा रखे हुए है।